यूपी के इटावा जनपद में सन 1960 में जनता की जमीन को लेकर उनकी जमीन पर सूत मिल का निर्माण किया गया था और लोगों से कहा गया था कि जब तक सूत मिल रहेगी आप इसमें काम करते रहेंगे और जब सूत मिल बंद हो जाएगी तो आपकी जमीन वापस कर दी जाएगी। लेकिन आज इस जमीन को आवास विकास द्वारा कब्जा किया जा रहा है, इसी को लेकर लोगों ने विरोध दर्ज कराते हुए आला अधिकारियों से गुहार लगाई। राम प्रकाश, किस मसले से आप यहाँ आए? हमारी सूत मिल की जमीन सब किसानों की है और 1960 में हथगड़े भाई किसान को अभी तक कुछ दिया नहीं। सूत मिल खत्म हो गई, सूत मिल गए दो सूत मिल करी गई थी, सूत मिल खत्म हो गई, किसान की जमीन किसान को वापस चाहिए। इन लोगों ने अभी तक आपको कोई प्रूफ दिया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों ने कोई एक्शन लिया है अभी तक? हाँ। क्या शिकायत हो रही? शिकायत सुनी नहीं हरी को, किसी ने नहीं सुनी? किसी नहीं, शासन प्रशासन ने किसी ने नहीं शिकायत हो रही, कोई नहीं सुन रहा। आप किस मसले से यहाँ आए हैं? अरे सूत मिल वालों ने मेरी जमीन ली थी और इसमें कई थी नौकरियाँ देंगे, मिल बंद हो गया, नौकरी नौकरी मिली नहीं और पैसा भी नहीं मिला और धमकाते हैं अब आवास विकास को दे दी, निर्माण कार्य रोकने में चालू है, उनका कोई मानते नहीं, मुकदमा भी चल गया, इस पर कार्रवाई पूरी कर दी। आपकी ज़मीनों पे अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया? कोई पैसा नहीं मिला, कोई सूचना नहीं, अपनी कार्यों में पूर्ति कर लेते हैं काम नहीं रोक रहे। इसमें ये लोग अपना खुद ही सब कुछ लिख के भेज देते हैं, हुआ इसमें सबसे बड़ी गलत, सबसे जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, शासन, सरकार, प्रशासन, डीएम सब जो हैं नेता लोग, सपा काल में करी है हमने, आजम खान ने जो कुछ किया। किस वजह से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? इसलिए आए हैं कि सूत मिल की जमीन हथगड़े हुई थी किसानों की और सूत मिल बंद हो गया, आवास विकास को दी गई है वो गलत दी गई है, अनधिकृत रूप से दी गई है और बिना बयानामा के कब्जा ले लिया, ये गलत है। कहीं ना कहीं इसमें अवैध कब्जा और सूत मिल वाले लगातार बेच रहे हैं जमीनें? हाँ, सूत मिल इन्होंने बेची नहीं है, विक्रय पत्र तो है इनके पास कोई नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो आवास विकास परिषद बिना बयानामा के कब्जा कर लिया है। प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं? प्रशासन की क्या गलती है? प्रशासन तो नया आया है, प्रशासन पहले प्रशासन के काल का है, समाजवादी सरकार के काल का है सब। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।